अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पैशनेट गार्डनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कहती हूँ। आप सबकी वजह से मुझे बहुत हौसला मिला है और मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। अभी दोस्तों सब तरफ गर्मी बढ़ गई है, सबको गर्मी की छुट्टियां भी मिल गई हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने प्लांट्स को भी गर्मी से बचाइए। आज मैं आपको गर्मी का ही एक प्लांट विंका के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, इस प्लांट को विंका, पेरीविंकल, सदाबहार या बारामासी के नाम से भी लोग इंडिया में जानते हैं। सदाबहार और बारामासी इस प्लांट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर साल के 12 महीने फूल आते हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट है, गर्मी में इस पर बहुत सारे फूल आते हैं। इसकी देसी वैरायटी में तो दो ही कलर्स आते हैं, वाइट और पिंक आता है, लेकिन इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है ये प्लांट। मैं आपको बता दूँ, ये प्लांट देखिए मैं 20 रुपीज़ में नर्सरी से लेकर आई हूँ। उसका कलर देखिए कितना प्यारा है, अभी इसको मैंने रिपॉट भी नहीं किया है। और एक कलर और है, इसमें लाइट पिंक फ्लावर्स आते हैं लेकिन अभी इस पर फ्लावर्स नहीं हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। फूल वाले सारे प्लांट्स फुल सनलाइट में ही रखे जाते हैं, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जहाँ तक इसकी सॉइल मिक्स की बात करें तो इसको कोई ख़ास सॉइल मिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है उसमें सिर्फ 20% कंपोस्ट मिलाकर भी इस प्लांट को रिपॉट कर सकते हैं, लेकिन इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब है पानी पूरा ड्रेन होल से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर पानी जमा रहेगा तो इसके रूट्स डैमेज हो सकते हैं और ये प्लांट भी आपका ख़राब हो सकता है। वाटरिंग इसकी आप दिन में 2 बार कर सकते हैं क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। जहाँ मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा वहाँ आपको इसको दिन में सिर्फ एक ही बार पानी देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी गर्मी के दिनों में ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करिए। अगर आप ओवर वाटरिंग करोगे तो इसके लीव्स येलो हो जाएंगे। और इसकी सॉइल मिक्स में आप ध्यान रखिए कि नॉर्मल गार्डन सॉइल के साथ आपको सिर्फ 20% कंपोस्ट इसमें मिलानी है। कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। खाद में मैं सजेस्ट करूंगी कि कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करिए, हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करिए। इसकी डिज़ीज़ की बात करें तो इसमें कोई ख़ास डिज़ीज़ ऐसे लगती नहीं है, लेकिन कभी कभार इसमें मिलीबग का अटैक हो सकता है और चींटियां भी कभी कभार इस प्लांट में लग जाती हैं। उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो या फिर 1 लीटर पानी में बेकिंग सोडा, थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश और सरसों का तेल मिलाकर भी आप एक बॉटल में स्प्रे बॉटल में डालकर इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो विंका प्लांट आप सीड से भी लगा सकते हैं या फिर कटिंग से भी आसानी से लग जाएगा। जी हाँ, आने वाला मौसम बरसात का है तो बरसात के मौसम में इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। अगर आप इसको सीड से लगाना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से इसके सीड्स मंगा सकते हैं। कटिंग से लगाने के लिए आप 4 से 5 इंच की स्टेम ले सकते हैं और इसको सॉइल में लगाकर शेड में रख दीजिए। 6 से 7 दिनों तक इसको रखने के बाद जब आप इसमें नई ग्रोथ देखेंगे तब इसको पहले सेमी शेड एरिया में, उसके बाद फुल सनलाइट में रख दीजिए, अच्छे से ग्रो करेगा। तो बस दोस्तों, ये थी जानकारी इस विंका प्लांट के बारे में। अगर आप इस प्लांट के बारे में और कुछ जानते हैं जो मुझसे इस वीडियो में छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।